है दोस्तों, क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर में बदलाव किया है? तो कौन सी हैं ये योजनाएं और क्या हुए हैं ब्याज दर में बदलाव? क्या आपको होने वाला है घाटा या होने वाला है फायदा? कितने ब्याज दर बढ़ गए या कितने ब्याज दर घट गए? तो सारी बातें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने ले रखी है स्मॉल सेविंग स्कीम्स, फिर चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो या बैंक में हो, फिर चाहे आपने करवा रखा है फिक्स डिपॉजिट, या आप सेविंग करते हैं पीपीएफ में, या आप रन कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना, या गवर्नमेंट की कोई भी एक ऐसी फिक्स्ड स्कीम यूज कर रहे हैं और आपने किया है निवेश या करने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं अभी हाल ही में ब्याज दर में जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दिक्कत, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल ओनली सिंगल लाइक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप timesnownews.com की वेबसाइट पर देख पा रहे होंगे, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकार ने पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट स्कीम पर ब्याज दर बढ़ा दी है। वहीं अगर बात पीपीएफ सुकन्या समृद्धि स्कीम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर ये बदलाव किए हैं। दोस्तों, ये बढ़ोतरी जनवरी से मार्च की तिमाही के लिए की गई है। एक साल के पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर ब्याज दर 6.9% से 7% कर दी गई है। वहीं 3 साल के डिपॉजिट पर ब्याज दर घटा दी गई है। यानी अब अगर आप 3 साल के लिए कराना चाहते हैं तो होने वाला है आपको थोड़ा बहुत नुकसान। दोस्तों, अब 3 साल के पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर 7.2% के बदले 7% ही ब्याज मिलेगा। 2 साल की डिपॉजिट पर 7% और 5 साल के पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर 7.8% ब्याज दर की स्थिति रखी गई है। पीपीएफ पर और 5 साल के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर ब्याज दरें इस साल की तिमाही के लिए 8% स्थिर रखी गई है। यानी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी तरह सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स पर 8.7% और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.5% का ब्याज दर मिलता रहेगा। यानी इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। आप में से बहुत से लोग उम्मीद कर रहे थे कि इन स्कीम्स पर थोड़ा बहुत बढ़ाएगी गवर्नमेंट और थोड़ा होने वाला है फायदा, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट ने एक बार फिर एक तरीके से देखा जाए तो जो भी किया होगा तो सोच समझ के किया होगा। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो, मेरे थॉट के बारे में पूछो, तो मैं थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि इन स्कीम्स पर थोड़ा बहुत इंक्रीज होना चाहिए था। इंटरेस्ट रेट 2018 में पीपीएफ पर टैक्स के बाद 7.7% रिटर्न मिलेगा। अक्टूबर से लेकर दिसंबर की तिमाही में सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 0.4% की बढ़ोतरी की थी पिछली बार। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर 3 महीने में तय होती है। वित्त मंत्रालय इसको अगले 3 महीने के लिए तय करता है कि कितना ब्याज दर रहेगा, घटेगा या बढ़ेगा। टैक्स की कटौती के बाद भी अधिक ब्याज मिलने के कारण ये योजनाएं पारंपरिक निवेश में काफी लोकप्रिय हैं। तो दोस्तों, फिलहाल ब्याज दरों से रिलेटेड तो यही अपडेट था। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में कैसे निवेश करना है, पीपीएफ क्या है, फिक्स डिपॉजिट में कैसे पैसे डालने, क्या नियम और शर्तें हैं, तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं। LIC से रिलेटेड वीडियो बहुत से बना दिए हैं, लोन से रिलेटेड वीडियो बहुत से बना दिए हैं। तो आप जाइए, चेकआउट कीजिए, कहां पर कैसे निवेश करना है, कितना ब्याज मिलेगा, किसमें अधिक आपको फायदा होगा, सारी बातें मैंने डिटेल से वीडियो में बनाकर बता दी हैं। तो वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलता हूं अगले और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इसी तरह के इंफॉर्मेटिव अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब करिए ही, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जो कि बगल में है बिल्कुल,